कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर आशंकाएं फैलाकर। मैंने किसानों के प्रोटेस्ट को कभी पॉलिटिकल नहीं कहा, ना कहना चाहता हूँ। आपके शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। आज पूरे देश को पहले समझ लेना चाहिए, इससे पहले कि लोग आपको बहकाना शुरू कर दें। विषय को समझिए। बीजेपी को इसकी जांच करनी चाहिए कि उसके नेता और कार्यकर्ताओं में कहीं भ्रम तो नहीं फैलने लगा है। ये तस्वीर झांसी के मंडी की है, जिसके गेट पर बीजेपी के कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं। किसान पिछले कई दिनों से सरकार द्वारा लाए अध्यादेशों के खिलाफ प्रदर्शन में जुटे हैं। 1 दिसंबर को किसान यूनियनों के मुखियों और सरकार के बीच एक मीटिंग भी हुई, जिसमें कोई भी सहमति नहीं हुई। इन विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक बयान दिया है। उनका बयान ध्यान से सुन लीजिए। वे कह रहे हैं कि किसानों को अपने फायदे के लिए कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से एक अलग ही ट्रेंड देश में देखने को मिल रहा है। पहले होता यह था कि सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था, लेकिन बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर आशंकाएं फैलाकर फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है, अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर हम क्या समझे? वह लोग कौन हैं जो गुमराह कर रहे हैं? वह अक्सर विपक्ष के नेताओं पर काफी तंज कसते हैं। कई वह तो नहीं लोग जो किसानों को गुमराह कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के खास दोस्त और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी तो ये कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन पॉलिटिकल नहीं है। डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है, मगर मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि तीनों बिल जो है, किसान रिफॉर्म्स है, वो किसानों के भले के लिए है, और बहुत समय के बाद किसान एक जकड़ी हुई व्यवस्था से बाहर आने वाला है। राजनीतिक विरोध जिनको करना है वो कर सकते हैं, और केसीआर भी पूरे देश में घूमना है तो घूम ही सकते हैं। 19 में भी घूमे थे, अपने राज्य में स्थिति क्या हुई आपको मालूम है? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं केसीआर की बात कर रहा हूँ। मैंने किसानों के प्रोटेस्ट को कभी पॉलिटिकल नहीं कहा, ना कहना चाहता हूँ। आपके शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने स्पेसिफिक पिन पॉइंटेड केसीआर के लिए सवाल था, मैंने केसीआर के लिए जवाब दिया। तो फिर किसानों को गुमराह कर कौन रहा है? अगर वह पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है, कहीं मीडिया तो नहीं कर रहा? पर मीडिया तो कुछ और ही कह रहा है कि किसानों की जो मांगे हैं उस पर उनको ही कोई गुमराह कर रहा है। जी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी ने अपने शो में इस पर बात की। नेताओं, चाहे वो विदेशी कंपनियां हों, चाहे वो विदेशी एनजीओ हों, चाहे वो राष्ट्र विरोधी ताकतें हों, चाहे वो खालिस्तान वाले हों, ये दुष्प्रचार यहीं समाप्त नहीं होता। इस आंदोलन के केंद्र में किसानों की दो बड़ी मांगे हैं। पहली है MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म ना किए जाने की मांग, और दूसरी है सरकारी मंडियों को समाप्त ना किए जाने की मांग। इसलिए इस विषय को आज पूरे देश को पहले समझ लेना चाहिए, इससे पहले कि लोग आपको बहकाना शुरू कर दें। विषय को समझिए ताकि आप अपने तर्क बना सके। सच यह है कि सरकार ना तो MSP समाप्त करना चाहती है और ना ही नए कृषि कानूनों में मंडियों को समाप्त किए जाने का कोई भी प्रावधान है। यानी ये जो दोनों अफवाहें हैं ये झूठी हैं। ना तो मंडियां समाप्त हो रही हैं और ना MSP समाप्त हो रहा है। मीडिया को लाखों किसान सड़कों पर पुलिस की लाठियां खाते, पानी की बौछारों का सामना करते, अपनी मांगों को लेकर विरोध करते हुए नहीं दिखे। उनको एक दो लोग खालिस्तान का समर्थन करते आसानी से दिख गए। आज हमें दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर एक ऐसा ट्रैक्टर दिखाई दिया जिस पर AK-47 राइफल बनी हुई है और खालिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लिखा हुआ है। इस ट्रैक्टर की तस्वीर इस समय आपकी स्क्रीन पर है। यह तस्वीर हमारे उस दावे को पुख्ता करती है जिसके मुताबिक इस आंदोलन को कुछ खालिस्तान समर्थकों ने हाईजैक कर लिया है। हालांकि इस ट्रैक्टर पर कोई नंबर प्लेट नहीं है,
इस ट्रैक्टर पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इससे इस आंदोलन में खालिस्तान की एंट्री का हमारा शक जरूर पुख्ता हो जाता है। सरकार कहती है कि ये बिल किसानों के हित में है, तो फिर जिनके लिए ये बिल लाया गया है सरकार उन्हें क्यों नहीं मना पा रही? वे लोग क्यों महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या सरकार अपने सहयोगियों को भी समझाने में विफल होती दिख रही है? अगर इन अध्यादेशों से किसानों को फायदा हो रहा था तो उनकी सहयोगी पार्टी अकाली दल ने विरोध कर नाता क्यों तोड़ लिया? क्या उनको भी किसी ने गुमराह किया था? वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पिता अजय सिंह चौटाला ने बयान दिया कि सरकार को किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए। हमने तो सरकार में बैठे हुए लोगों को भी आग्रह किया है कि किसान की समस्या का समाधान किया जाए। अन्नदाता आज परेशान होता हुआ सड़कों पर बैठा है, घूम रहा है। परेशानी सरकार को भी है, किसान को भी है, सब लोगों को है। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी समाधान निकल जाए उतना ही अच्छा है। समाधान तो सरकार में बैठे हुए लोग स्वयं बार बार ये बयान देते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर का बयान है, प्राइम मिनिस्टर का खुद का बयान है कि हम MSP को जारी रखेंगे, तो उसको ऐड कर दें, उसको लिखने में एक लाइन क्या दिक्कत है? क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने डिप्टी सीएम के पिता को ही नहीं समझा पा रहे? अगर समझा पाते तो वे किसानों के हित में बयान क्यों देते? क्या उनको भी किसी ने गुमराह किया है? इतना ही नहीं, झांसी में मंडी के बाहर BJP कार्यकर्ता ही MSP ना मिलने को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। कहीं वह भी प्रधानमंत्री मोदी जिस भ्रम फैलाने वाले की बात कर रहे हैं उसमें तो नहीं आ गए? NDTV के पत्रकार रवीश कुमार ने झांसी में BJP कार्यकर्ता की मांगों को लेकर अपने शो में रिपोर्ट दिखाई। BJP को इसकी जांच करनी चाहिए कि उसके नेता और कार्यकर्ताओं में कहीं भ्रम तो नहीं फैलने लगा है। यह तस्वीर झांसी के मंडी की है, जिसके गेट पर BJP के कार्यकर्ता नारे लगा रहे, मंडी के गेट पर ताला मार दिया। इन्हीं का कहना है कि सरकारी क्रय केंद्रों में किसानों को धान के दाम नहीं मिल रहे हैं। झांसी के भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री सुरजीत सिंह लोधी ने कहा कि धान का समर्थन मूल्य 1868 से 1888 रुपए प्रति क्विंटल है, फिर भी न सरकारी केंद्रों पर वह दाम मिल रहा है, न प्राइवेट व्यापारी दे रहे हैं। BJP विधायक ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने का प्रयास कीजिए। क्यों किसान चाहता है कि सरकारी क्रय केंद्रों पर ही धान की खरीद हो? वो भ्रम में नहीं चाहता है, बल्कि ठगे जाने पर होश में आने के बाद चाहता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार में नहीं मिल रहा है, दिया जाए। आखिर ये सारे भ्रम फैला कौन रहा है, जो कि BJP के कार्यकर्ता, किसान, BJP के सहयोगी पार्टी तक पहुंच चुका है? सिर्फ सरकार को भ्रम नहीं है, बाकी सबको है। आगे देखना ये होगा कि सरकार किसानों की मांगों को लेकर क्या कदम उठाती है, आगे क्या होगा इसका इंतजार सबको है। ब्यूरो रिपोर्ट, Punjab Today TV। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.